जब कभी कभी अपने पास रिलायंस को लेकर के भी सवाल आ जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, मतलब सबसे प्रमुख बाजार की कंपनी, और आमतौर पे बहुत कम सवाल आते हैं, लोग कन्विंस होते होंगे शायद कि इसको क्या पूछना है, तो जरूरत ही नहीं पूछने की। लेकिन खैर, इब्राहिम जी ने पूछा है सवाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3,115 पे लिया हुआ है, लॉस है, क्या टारगेट है, क्या कहेंगे इनको? अब शायद शॉर्ट टर्म व्यू हो तभी थोड़ा परेशान हो रहे हैं। हाँ, इसका जो मुझे मामला समझ में आता है, 3050 के ऊपर एक क्लोज तो चाहिए इसको प्रॉपर। तो स्ट्रक्चर अभी खराब तो नहीं कह सकता, बिकॉज हायर लो पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है, और अगर हायर लो इंटैक्ट है तो इसको उतना वीक नहीं मान सकते हैं। प्लस साथ में 3000 के ऊपर भी है, जो एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट लेवल है। फर्दर मोमेंटम मेरे हिसाब से 3050 के क्लोज के ऊपर है, उसके पहले नहीं है। इसलिए जब तक 3050 नहीं निकल जाता है, इसकी एनालिसिस थोड़ी वीकिश स्टॉक्स में होनी चाहिए, और 3050 के ऊपर में पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। 3200 तक वैसे इसकी एनालिसिस रख सकते हैं। अगर 2850 के नीचे क्लोज हुआ तो शायद फिर लोअर बॉटम वाले एनालिसिस में जाना पड़ेगा, उसके पहले तक तो नहीं लगता। जी, लेकिन 3050 से थोड़ा सा ऊपर निकलते ही, वो कहते हैं ना, कुछ दूर चलते ही वाला जो एक गाना है, वो 3075 से एक गैप शुरू हो जाता है, वो एक हिस्सा कर हाँ, जाता है, उस पर भी बिठा सकते से हैं, निकलते ही, अनुमान कुछ दूर भी। चलते ही। हाँ, आई थिंक ये राजेश रोशन या अनु मलिक, दो में से किसी एक ने बनाया था। उन्होंने गाना में खाली एक गैप का वर्ड लगा देना चाहिए था, तो गाना यहाँ पे भी फिट हो जाता था। कुछ दूर चलते ही इनको गैप मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है वो गैप भर जाएगा 3050 के ऊपर, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सिंपल एरिया गैप है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसमें रीड करने। जी नहीं, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि भाई अभी जो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो इसमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, वो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड अब निपट जाएगा। क्या वो 3050 पे ही कंफर्मेशन हो जाएगा कि खत्म हो गया, या उसके लिए हमें और किसी लेवल का इंतजार करना पड़ेगा? 3050 एक ऐसा मार्क बन के आ रहा है ना, कि उसके केस में फिर ये जो किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, डाउ जोन्स का चार्ट अगर किसी को याद रहे जिस तरह का बना था, एक बार उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, शायद उस एग्जाम्पल से समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शायद उस तरह की चीज आप इसमें देखने के लिए रेडी हो सकते हैं 3050 के ऊपर, ऐसा चांस लगता है। हायर लो तो इंटैक्ट है, तो फिर होना जी क्या चाहिए, अपवर्ड इंक्लाइन में हायर हाई।